वेलकम बैक. जो मॉन्यूमेंट एट द एंड इज कंपन्स रिकम्पनसेट एज इट वर्क फॉर वॉकिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड डिवॉइड ऑफ द सरप्राइजेज एंड रोमांटिक चार्म ऑफ ट्विस्टिंग स्ट्रीट्स एंड इकोनमीज आर मेट बाय कीपिंग द फ्रंटेजिंग बिल्डिंग्स प्लेन सो एज टू एनहांस द क्लाइमेक्स प्राइवेट सिंप्लिसिटी एंड पब्लिक मैग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस की बात हम देखते हैं तो इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा. ये पर्सपेक्टिव वॉज कमेंस्ड इन सिटी प्लानिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट सिमेट्रिकल बिल्डिंग्स दैट लेड टू अ फॉर्म ऑफ ब्यूटी मेकिंग द रेनेसा सिटीज डिस्टिंक्टिव एंड यूनिक फ्रॉम मिडिवल एंटीसीडेंट. जो इसके मध्ययुगीन जो इसके बिल्डिंग निर्माण शैली थी उनमें बहुत डिफरेंस था. इसका ब्यूटिफिकेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से किया गया था. द अर्बन सेंटर्स ऑफ दिस जनरेशन ऑल्सो कैरिड अ पर्पज एक्सीडिंग दैट ऑफ प्योरली अ रेसिडेंस एज एन आर्ट गैलरी टू शोकेस द आर्टिस्टिक टेस्ट ऑफ इट्स पार्टिसंस. जो अर्बन सेंटर्स थे इस काल के उन्होंने जो आपकी रेसिडेंस वाली थी उनकी जो उद्देश्य थे उनको भी पूर्ति के लिए था. वहाँ पे आर्ट गैलरी भी थी. फर्दर मोर द एप्लीकेशन ऑफ आइडियलिज्म इन टू कंस्ट्रक्शन लेड टू न्यू मैथमेटिकल वेज ऑफ डिजाइनिंग द सिटी इन कोलेबोरेशन विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सपेक्टिव विद इन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स वर बिल्ट यूजिंग द परफेक्ट शेप्स स्क्वायर्स एंड सर्कल्स. उस वक्त की जो जो निर्माण शैली थी वो या तो वर्ग आकार थी या वृत्ताकार थी. देन द टू कंबाइंड टू फॉर्म अ यूनिकली डिसिप्लिन बिल्डिंग स्टाइल एंड द फैमिली सेट रेनेसा आर्किटेक्चर दैट फर्मली सॉरी सेट रेनेसा आर्किटेक्चर एज वन ऑफ द मोस्ट आइडियल एज द मोस्ट आइडियोस्क्रेटिक येट अनकॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्टिंग मैथड्स इन आर्किटेक्चरल हिस्ट्री. आज भी हम अगर आर्किटेक्चर हिस्ट्री देते बिल्डिंग विन्यास के अगर हम इतिहास देखते हैं तो ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेआउट है जो आज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन कल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आर्किटेक्चर में हम देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट था. ये आता है रेनेसा वॉज नॉट ओनली कल्चरल मूवमेंट एसोसिएटेड विद आर्ट बट ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ एंशियंट ग्रीक्स एंड लैटिन वर्क्स. उस समय का जो ग्रीक और लैटिन में जो काम किया गया था उसमें भी इसने हेल्प की थी. दिस वॉज इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्निक्स एंड न्यू वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओल्ड आइडियाज एंड क्लासिक वर्क्स एज वेल क्रिएटिंग न्यू वर्क. नया का निर्माण के साथ साथ प्राचीन के विचारों को और क्लासिकल जो वर्क्स थे उनको भी रिप्रेजेंट करता था विथ न्यू टेक्निक्स. देन द रेनेसा बिकेम अ टाइम इन विच poets, writers, artists, sculptors and architects were widely recognized and valued as important contributors of the society. ये ऐसा टाइम है जब जो आप कवि रहे जो लेखक रहे जो कलाकार रहे जो मूर्तिकार होते हैं जो नगर निर्माण करते हैं उन सबका एक मेजर रोल था जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया सोसाइटी के डेवलपमेंट में. दैट वॉज नॉट द केस ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर्स. पीपल डिड नॉट अप्रिशिएट लिटरेचर एज दे डिड इन द रेनेसा. साथ में हम ये देखते हैं कि रीजंस बीइंग देयर वर नॉट मेनी बुक्स दैट हैड बीन प्रिंटेड इंटरप्रेटेड बाय टू द कॉमन पीपल बाय मींस ऑफ द चर्च और हाईली एजुकेटेड स्कॉलर. क्योंकि उस वक्त की जो लिखी हुई जो बुक्स थी उनको चर्च में जो हमारे पोप थे उनके द्वारा ना पढ़ के सुनाया गया था ना लिखा गया था ना समझाया गया था. इसलिए बेसिकली उसका इम्पैक्ट इन पर कम पड़ता है और इसको एजुकेटेड स्कॉलर्स ने उनको इंटरप्रेट करके कॉमन पब्लिक को बताया था. आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्चर. आर्किटेक्ट ऑल्सो हेल्प्स स्प्रेड द आइडिया ऑफ रेनेसा. जो आर्टिस्ट थे जो आर्किटेक्चर थे वो भी रेनेसा के जो विचार थे उसका प्रचार और प्रसार किया उन्होंने. द रेनेसा वॉज ग्रेटली फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअल एंड क्लासिक्स. स्कल्प्टर आर्किटेक्ट्स एंड आर्किटेक्ट कंबाइंड क्लासिक आइडियाज विद द ह्यूमनिस्टिक आइडियाज ऑफ एंड एम्फोसिस ऑन इंडिविजुअल. स्कल्प्टर्स focused on creating the subjects as they would be in particular moment. उन्होंने उसको इस तरह से interpret किया जैसे कि उस particular moment पर रही हूँ. Two major sculptors of the age were Donatello and Michelangelo. साथ में आपके जो next point आता है इसमें architect of the Renaissance age began to move away from the Gothic style that originated from France and turned to more older Roman styles. Then Filippo Brunelleschi, one of the first great architects of the Renaissance. The Brunelleschi dome has designed was one of the largest during that time. The reconstruction of St. Peter took 2 centuries and was finally complete in the 1600s. Mein wo khatam hua tha. Many architects focus on proportion, symmetry and perspective.
इस तरह हम ये देखते हैं कि जो रनासा काल रहा, जो पुनर्जागरण काल रहा, उसने किस तरह से संस्कृति को, समाज को, व्यापार वाणिज्य को, निर्माण शैली को, कला को, साहित्य को किस तरह से समृद्ध बनाया और किस तरह से प्राचीन शैली को लेते हुए उससे इंस्पायर तो नहीं हुए, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन मध्ययुगीन साहित्य का नहीं रहा। उन्होंने जो कुछ ऑब्जर्व किया उससे प्रेरणा ली और उसको आगे की जनरेशन में प्रसार और प्रसारित किया।